सत श्री अकाल दोस्तों, दिस इज मेहरबान फ्रॉम मेहरबान फिटनेस चैनल। बड़ी खुशी की बात है कि आप सब लोग मेरी वीडियोस को बहुत लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और कईयों ने लास्ट वीडियो जो नेक वाली वीडियो है उसकी एक्सरसाइज ट्राई भी करी हैं एंड दे हैव फाउंड दैट दोज वीडियोज़ टू बी वेरी इफेक्टिव। आज की हमारी वीडियो है अबाउट द लेग्स लोअर पार्ट, हमने हाउ टू ट्रेन एंड स्पेशली हाउ टू टोन, बेसिकली फॉर मैन एंड वुमेन दोनों के लिए है। अगर आपने टोनिंग करनी है, अगर आपने गेन करना है, देन यू हैव टू गो टू द जिम। आपने हैवी वेट आपको करनी ही पड़ेगी, उसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे आपको स्क्वाट्स, लेग प्रेस, हैक स्क्वाट एंड स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। लेकिन आज की हमारी वीडियो सिर्फ हमारे थाइस को, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को टोन अप करने के लिए है। सो विल स्टार्ट विद अ जॉइंट सेट। जॉइंट सेट में आपको समझा देता हूँ क्या होता है। जॉइंट सेट में हम तीन चार एक्सरसाइज इकट्ठी करके लगाते हैं। आज हम जो एक्सरसाइज लगाएंगे दैट विल बी अ जॉइंट सेट। सो दोस्तों, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द जॉइंट सेट। पहली एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, लाइट वेट हमने डंबल लिए हैं 5 kg का, आप देख सकते हैं, विद स्क्वाट्स। कीप योर डंबल्स हियर, गो डाउन, अप, मूवमेंट शुड बी वेरी स्लो, अप, ये आपने करने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी रहेगी लंजेस। आपको मैं साइड में करके दिखाता हूँ, उसे आप फ्री वेट भी कर सकते हैं और यू कैन होल्ड द वेट ऑल्सो। बैक शुड बी स्ट्रेट, इन दो एक्सरसाइज के बाद आपने लगानी है स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। उसे मैं आपको साइड से दिखाता हूं सो दैट यू कैन कम टू नो अबाउट द पोस्चर। कीप योर बैक स्ट्रेट, नेक्स्ट एक्सरसाइज साइड किक्स, होल्ड समथिंग सो दैट यू मे नॉट लूज द बैलेंस, और इसको आपने फोर्स के साथ साइड में किक करना है, राइट साइड से करके, देन विद द लेफ्ट, अगेन विद द राइट, देन विद द लेफ्ट। तो ये आपकी फोर्थ एक्सरसाइज है। गाइस, फिफ्थ एक्सरसाइज इज साइड लंजेस। इसमें आपने नॉर्मल स्टांस में खड़े होकर एक पैर को अराउंड 3 feet दूर लेकर जाना है। कीप योर हैंड्स हियर सो दैट यू मे मेंटेन द बैलेंस, बैलेंस आपका ना बिगड़े। गो डाउन, कम अप, डाउन, अप, अराउंड 10-15 टाइम राइट साइड कर लीजिए, उसके बाद आप लेफ्ट साइड कर लीजिए। दिस इज अ जॉइंट सेट ऑफ 5 exercises। 5 exercises हमने इकट्ठी करके लगा ली है। इसकी रेपिटेशंस आप प्लस माइनस कर सकते हैं, गो फॉर 15-20 रेपिटेशंस एक एक्सरसाइज में, और 4-5 sets इसके लगाकर उसके बाद आप रनिंग ना कीजिए। आई वुड एडवाइस कि आप वॉक कर लीजिए या साइकिलिंग कर लें। स्टेशनरी साइकिल है तो आप आधा घंटा स्टेशनरी साइकिल कर सकते हैं। सो दैट विल टोन अप योर थाइस, हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स। ये 5 एक्सरसाइज आर बोथ बेनिफिशियल फॉर मैन एंड वुमेन, दोनों के लिए, दोनों आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा लेग्स का वर्कआउट है, टोन अप योर मसल्स थाइज, हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स के लिए। मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ, जिम में भी मेरे जितने मेंबर हैं उन सबको मैं कहता हूँ कि लोअर आप जरूर ट्रेन कीजिए, आई मीन योर थाई शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, बिकॉज थाई सबसे स्ट्रॉन्ग मसल है, और नीज़ ऐसा एक हमारा जॉइंट है जो सारी उम्र हमारा वेट बियर करता है और वियर एंड टीयर बहुत ज़्यादा होती है। नंबर वन, डाइट इज एडल्ट्रेटेड, डाइट में एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से भी आजकल अराउंड 35 और 30 के बाद भी नीज में पेन स्टार्ट हो गई है। दूसरा रीज़न मैं जो आज देख रहा हूँ आफ्टर ये कोरोना लॉकडाउन, मैंने देखा कि लोग बहुत भाग रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लोगों में एक फिटनेस के तरफ एक जुनून बढ़ा है, उन्हें पता चला कि हमने इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है। बट दोस्तों, मेरा एक मैसेज आप सबके लिए कि आप ओवरडू ना करें। मैं देखता हूँ कई लड़के जो बहुत अंडरवेट हैं वो भी भाग रहे हैं, कान में लगाई या टूटियाँ, आई मीन ईयरफोन और फ़ोन लगा के वो भागे जा रहे हैं, उससे लेटर ऑन अराउंड 4-5-7 साल बाद उनके नीज में पेन स्टार्ट हो जाएगी। सो आई एडवाइज़ टू ऑल दोज पीपल कि आप वर्कआउट जरूर करें, वेट ट्रेनिंग जरूर करें, ताकि आपके थाई थोड़े स्ट्रॉन्ग रहें। अगर आपका थाई स्ट्रॉन्ग रहेगा, पिलर स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो आपका नीज जॉइंट स्ट्रॉन्ग रहेगा। और लेडीज़ के लिए भी एक्सरसाइज लगानी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली थाइज़ की,
क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस लेडीज़ को ज़्यादा जल्दी हो जाता है. सो अवॉइड ऑल दोज थिंग्स. यू शुड इंक्लूड वेट ट्रेनिंग. अगर आपने हैवी करना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो टू द जिम, अदरवाइज आप लाइट वेट से टोनिंग अप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं इजीली. तो दैट्स ऑल दोस्तों. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप मोटिवेटिंग मी. ऑल द बेस्ट.